जय बजरंग बली। जी नमस्ते प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे जितने भोजपुरी ऑडियंस हैं, हमारा मीडिया कर्मी है, यहाँ पे अतिथिगण बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ भैया। ये टाइटल खुद हमारे जो लेजेंड है देख रहे हैं ना पीछे एकदम खड़े हैं, कैसे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक बार कह सकता हूँ भारत माता की जय। ये मेरे नसीब में था, मेरे झोली में था ये टाइटल, तो मिला। ये आप लोग का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, हमारा पूरा समस्त हिंदुस्तान का आशीर्वाद है जो इस टाइटल पर मेरे को काम करने का एक मौका मिला है। पायस जी आप ये बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है, कितनी खुश हैं भारत माता की जय, क्योंकि इसके बगैर कुछ है ही नहीं आज की तारीख। कुछ है ही नहीं, जहाँ तक हमेशा होता है भारत माता की जय, देश के लिए सिर्फ पुरुष ही आगे रहते हैं, पुरुष ही शहीद होते हैं, पर हम औरतें भी कम नहीं हैं। हमारे दिल से इच्छा है देश के लिए कुछ करना, पर हम देश के लिए बलिदान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम सोचते हैं एज अ कलाकार फिल्म के माध्यम से दर्शकों को इतना सा भी अगर कर पाए अपने देश के लिए, अपने देश की कुर्बानी जिन्होंने दी है उनके लिए श्रद्धांजलि इतना सा कर पाए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। और सबसे पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में स्वागत करना चाहूँगी अपने सर का, इनका, जिन्होंने ये पहल की है। बिना इनके हम कुछ नहीं, हमारी सोच कितनी भी बड़ी हो, जब तक हमें पंख नहीं मिलेंगे हम उड़ नहीं पाएंगे, तो इनको बधाई के पात्र ये हैं। और इनका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसे ही अलग अलग फिल्म देंगे। बिल्कुल, पायस जी ने बहुत ये तारीफ की है धर्म जी आपकी, तो सवाल आपसे यही है कि हम ये समझ सके, क्योंकि कुछ देर पहले आपने ये कहा है कि आप सीएम साहब के सलाहकार भी हैं, तो शिवसेना जुड़ी है भोजपुरी सिनेमा से? बिल्कुल, जिस तरह से पायस जी ने कहा है, बिल्कुल शिवसेना जुड़ी है और हिंदी भाषियों के साथ। जिस तरह से आदित्य ठाकरे जी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव में, और आने वाले दिनों में अयोध्या भी जा रहे हैं, तो हमारा यही है सोच महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की पार्टी में जो शिवसेना किस तरह से आज काम कर रही है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलतफहमी थी लोगों के बीच में कि उत्तर भारतीयों के साथ शिवसेना नहीं है, तो एक उत्तर भारतीय मैं खुद हूँ, ये शिवसेना ने मुझे सब कुछ दिया, तो मुझे आके लोगों के बीच में अपने उत्तर भारतीयों के बीच में बताने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि एक उत्तर प्रदेश का बोलते हैं कि व्यक्ति होने के नाते मुझे महामंडल जिसे कहते हैं प्राधिकरण अधिकारी बनाया और बहुत बड़ी जवाबदारी दी, तो ऐसे एक दिन बातचीत करते हुए मुझे ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी लोगों के डीएनए में है, भोजपुरी पिक्चरें, भोजपुरी में क्या चीज़ होती है, आज कोई भी भोजपुरी पिक्चर आती है तो हर उत्तर भारतीय उत्साहित रहता है हिंदी भाषी उसके देखने के लिए। तो हमने ये पहल की है और पहले भी बहुत लोगों ने पहल की है, लेकिन हमारे आदित्य ठाकरे जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उद्धव साहब, तो हमने सोचा कुछ अच्छा कुछ एड ऑन करना है भोजपुरी पिक्चरों में, तो उत्तर प्रदेश के सारे भोजपुरी कलाकारों को हम कैसे सपोर्ट करें, तो उसकी शुरुआत आज हुई है भारत माता की जय। आगे भी हम भोजपुरी कलाकार और भोजपुरी पिक्चरों के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है, समस्या है, एक सवाल आपसे फिर वापस से उस तरफ चलते हैं, भोजपुरी सिनेमा को लेकर मुंबई में जो शूट होता है तो महंगाई काफ़ी है, इसके अलावा जब फिल्में रिलीज की जाती हैं तो थिएटर बहुत कम मिलते हैं, क्या सरकार इसको लेकर भी कुछ सोच रही है, क्योंकि कुछ सोचने के साथ ही आप मेरा बात मान के साथ जुड़े होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी पिक्चर शूट होती है वो, और यहाँ मुंबई में जो शूट होती है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यहाँ पे महंगाई है। तो मैं एक बार अभी तो बहुत शुरुआत में बोलना उचित नहीं होगा कि एक बार इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के साथ कि किस तरह से क्या सोल्यूशन लेके आए महाराष्ट्र में और किस तरह से क्या हम बेहतर कर सकते हिंदी भाषी और भोजपुरी पिक्चरों में, कि क्या सरकार क्या एक ऐसा काम करे जिससे आप लोगों को मदद मिले। तो आने वाले दिनों में वो भी दिन दूर नहीं है,
जहाँ पे शिवसेना और यहाँ की सरकार भोजपुरी पिक्चरों में अपना अच्छा रोल निभाएगी और करेगी आगे। बिल्कुल, प्रोड्यूसर सर की तरफ चलते हैं। सर, एक तरफ शिवसेना बैठी है आपके बाएं तरफ, दाएं तरफ एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस बैठी है पायस पंडित, स्माइल नहीं है चेहरे पर, क्या दबाव है जी? कोई दबाव नहीं, किसी ने चेक की बात की थी ना, वही दबाव। तो ये बताएं कि मेरा भारत महान को लेकर के कैसे आपकी सोच आई, आपको क्यों लगा इस फिल्म का निर्माण करना चाहिए और किस तरीके से आपने तैयारी की? इसकी सोच हमारे पास धर्म जी की तरफ से आई। हम लोग हमेशा एज अ पर्सनल लाइफ में भी हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, ऐसा कोई वीक नहीं होगा जिस वीक में हम लोग नहीं मिलते। एक दिन प्रिंस जी से इन्होंने बात की और इन्होंने बताया कि ऐसी एक फिल्म करना है और उसका नाम आए सोचते सोचते भारत माता की जय। और उस भारत माता की जय टाइटल सुनने के साथ ही हमने बोला ये प्रोजेक्ट हमको करना है। उधर काफी हिंदी फिल्में एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन भोजपुरी में क्या कुछ खास आपकी फिल्म बना रहे हैं? भोजपुरी में हमारा फिल्म बनाने का मकसद एक यही है कि जैसे धर्म जी ने पहले भी बताया, भोजपुरी फिल्म को एक अलग नज़र से देखा जाता है, उसका एक जगह नहीं मिलता जो जगह हिंदी फिल्मों के मिलता है। बाकी फिल्मों के पंजाबी फिल्में देख लीजिए, मराठी फिल्मों को भी अभी मल्टीप्लेक्स में सिंगल स्क्रीन छोटे मल्टीप्लेक्स में जगह मिल रहा है, बट भोजपुरी को नहीं मिल पा रहा है। जैसे धर्म जी ने बताया भोजपुरी फिल्म के लिए हम आगे सोच रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में भी उसके लिए कुछ करें, जो उनकी जो बजट होते हैं भोजपुरी फिल्म का एक लिमिटेड बजट होता है जिसमें हम सोच नहीं सकते हैं कि बॉम्बे में शूट करें, उसके लिए हम आगे कुछ करें जो ताकि वो भी यहाँ पे आकर के पूरी फिल्म नहीं 4 दिन शूट कर सके, 8 दिन शूट कर सके। तो हमारा एक मकसद यही है कि आने वाले दिनों में हम भोजपुरी फिल्म को एक जगह दे पाए जो अभी जो है उससे अलग हटके एक जगह दे पाए। और उसके साथ ये टाइटल आया भारत माता की जय, तो हम बोले हम अपनी शुरुआत ही यहाँ से करें। बॉलीवुड हॉलीवुड में कौन कौन फिल्में आपकी आ चुकी है, जरा बताएं दर्शकों? बॉलीवुड में हमने काफ़ी सालों से फिल्में की हैं और फिल्म इंडस्ट्री से मैं 97 से जुड़े हुए हैं। हमने कुछ कुछ होता है के सेट पे भी थे, कल होना हो के सेट पे थे, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, वहाँ से हमारी शुरुआत है और हम करते आ रहे हैं। हमने कभी ये फिल्म कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं वो देखे नहीं, हमारा एक प्रोफेशन था कि हमें ये करना है और वो जॉब को हमने किए। डायरेक्टर साहब की तरफ चलते हैं। सुजीत सर, आपका और प्रिंस सिंह राजपूत जी का जो मिलन है वो सालों पुराना है, काफी साथ काम किया है। नरसिम्हा का ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत शानदार एक्शन के लिए आप जाने जाते हैं, पवन सिंह साहब के साथ भी आपने एक्शन भरी फिल्म की है। भारत माता की जय को लेकर क्या इस समय आपके जहन में चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और स्पेशल आप इस फिल्म में प्रिंस सिंह राजपूत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो टाइटल है भारत माता की जय, तो जो जितने भी पोस्टर आपने देखा है, जितने भी लीजेंड्स है, हम उनके आदर्शों को देखते हैं, उनके आदर्श उन्होंने जो किया है इस देश के लिए, उसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम इस फिल्म में दिखाना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो देश के लिए किया, जो देशभक्त हमारे देश के लिए जो किए हैं, उसमें कुछ ऐसे पार्ट दिखाऊं जो आज भी लोगों के जो देशभक्ति है ना, उसमें देशभक्ति में 4 चांद लग जाए, या आने वाले जनरेशन जो है न्यू जनरेशन को भी लगे कि हाँ, मतलब देशभक्ति क्या होती है, तो हम वही दिखाना चाहते हैं। तीन करेक्टर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बताया? तीन करेक्टर है वो सबको जानता है और उन्होंने जो देश के लिए किया वो भी सबको जानता है, तो उसके कुछ पार्ट है जो हमारे हीरो है प्रिंस सिंह राजपूत जी, इनको निभाना है। अब उनके उसके लिए इनको काफ़ी मेहनत भी करनी है क्योंकि हमारा मेगा शेड्यूल जो है 1.5 महीने के बाद हम लोग निकलेंगे यूपी के लिए, कुछ पार्ट हो सकता है मुंबई में शूट करेंगे, अभी तक तो हमने यही सोचा है। सोजी जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेरा भारत महान पवन जी की जो फिल्म है बहुत अच्छी जा रही है और मैं देख रहा हूँ कि दोनों टाइटल मिलते जुलते हैं और पोस्टर भी मेरे पास है लगभग मिलते जुलते हैं, क्या कहानियाँ भी मिल रही है उसी? नहीं। क्या कहानी? नहीं, कहानी वो मेरा भारत महान है, सब कुछ देखा है और ये है भारत माता की जय, तो वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पोस्टर में भी बहुत अंतर है, पता ना आप किस नजरिया से देख रहे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन पोस्टर दोनों का देखिए जमीन आसमान का अंतर है। तो एक कैरेक्टर में भी मिल रहा है, एक कैरेक्टर में भी, हाँ एक कैरेक्टर में भी तो बहुत डिफरेंट है, वो भी ऐसा नहीं है। आप ही बताएं कि यहाँ पे मैं आपकी तीन अवतार देख पा रहा हूँ,
बोस जी भी हैं और चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, भगत सिंह भी हैं जी। तो क्या कहानी है थोड़ी बहुत अगर रिवील करना चाहें तो आप बताएं, हम किसी से नहीं बताएंगे। कहानी तो अपने आप में लोग है भी, इतना लेजेंड है, भारत माता की जय है। जब बोल रहा हूं किसी को बताएंगे, जब पोस्टर पे है तो लेजेंड खुद है, कहानी अपने आप में लो है। लेकिन कहानी अभी चल रहा है, पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी खुद आने दीजिए टाइम, जरूर आपको बताएंगे। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जब कोई इतिहास के ऊपर फिल्म बनती है जी, वो विवादों में भी चली जाती है अगर उस पे अच्छे से जी स्टडी न की, आपने इस पे स्टडी की है कुछ की? बिल्कुल सर, स्टडी किया हूँ तभी तो ये पोस्टर डिजाइन हुआ है। एक एक चीज हम लोग देख के बारीकी से हम लोग फोटो सेशन किए, जो कि हमको लगता है कि भोजपुरी में बहुत कम होता है। लाखों रुपया खर्चा हुआ फोटो सेशन पे, हाँ लीगली प्रूफ है हर चीज, बैच देखिए ये देखिए हर, हाँ ये हर चीज हम लोग मैच करके पोस्टर डिजाइन भी किए, आप फिल्म भी करेंगे तो उसमें से कोई त्रुटि और गलती नहीं मिलेगी। एक एक चीज पे हम लोग फोकस करके काम करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर इतने अनुभवी हैं, डायरेक्टर इतने अनुभवी हैं, ये लोग जो बताएंगे हम उस पर हम दोनों एक्ट करेंगे। भाई जी पीछे तीन चार पोस्टर्स लगे हैं, मेन जो पोस्टर्स है वहाँ पर है, वहाँ पर आपकी तस्वीर नहीं है, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी तस्वीर वहाँ, मैं अकेले हूँ, देशभक्त महिला, जरूरी नहीं हीरो के बाजू में हीरोइन रहे, यही सब वो, मैं अकेले सोलो हीरोइन हूँ, तो मैं पोस्टर में हीरो के बीच, क्योंकि ये हमारे देश के हीरो हैं, इसके बीच कोई हीरोइन शोभा नहीं देती, तो मैंने अपना वो साइड में हूँ मैं देशभक्त के रूप में, और मेरा किरदार सर बताएंगे। तालियां। अगर यहाँ पे हीरोइन को हम फोटो दे देते ना तो आप इस पे भी क्वेश्चन कर, नहीं क्वेश्चन भले नहीं करें, यहाँ पे कोई हीरोइन दिखती शोभा ही नहीं देती, भाई हीरो है वो, उनके सामने कोई हीरोइन कहाँ से खड़ी होगी। नहीं आपका भी पोस्टर देख पा रहे हैं, और आपके आपके सेवक देख पा रहे हैं, भारत माता की झलक देखने को मिल रही है। मैं सेवक हूँ देश की, हीरोइन नहीं हुआ इस फिल्म में, मैं एक नागरिक हूँ, एक देश की हीरोइन, हर बार हीरोइन, मैं रियल लाइफ में हीरोइन हूँ, फिल्म में बनने का भी कोई हुआ नहीं, सिंपल से कैरेक्टर है मेरा, देशभक्त का मेरा भी कैरेक्टर है, उसमें हम हीरो हीरोइन नहीं है, इनके साथ मेरा ऐसा कुछ, देशभक्त मैं भी, ये भी। सुजीत जी म्यूजिक कैसा होगा इस फिल्म का? म्यूजिक तो अब देशभक्ति ही होगा। कौन दे रहे हैं म्यूजिक और राइटर कौन है? ये इसमें म्यूजिक संगीत दे रहे हैं मधुकर आनंद जी, और राइटर है हमारे एस के चौहान जी। तो म्यूजिक जो होगा हम कोशिश करेंगे कि जो भारत माता की जय के लिए जो खून खोलने वाला वीर रस का जो चीज होगा वो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लाए और जन जन तक पहुंचाए। प्रिंस जी आप धीरे धीरे मनोज कुमार की तरफ निकलते चले जा रहे हैं, दूसरी पिछली फिल्में आपकी आ रही है, हमने जो झलकियां देखी हैं देशभक्ति से लीन ही है, तो क्या पर्सनल लाइफ में भी देशभक्त हैं? और आज तो आपने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया, शिवसेना ही साथ लेकर आ गए हैं, तो क्या क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या भैया बिना सेना के देश कहाँ से चलेगी, इसलिए शिवसेना का आशीर्वाद मिला, आज देखिए हम लोग यहाँ पहुंच गए। सुनील जी उस सेम सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा, आप आर्मी लेके आ रहे हैं देशभक्ति का है, अब मेरा बात मान लेकर मेरा भारत माता की जय, इतना बड़ा टाइटल नहीं दिख रहा है आपको? आर्मी अभी कंप्लीट हो गई है, और ये मतलब बीच में सितंबर अक्टूबर तक, मतलब सिनेमा हॉल में आते तो अक्टूबर लग जाएगा, तो आर्मी पहले आएगी। सुजीत सर लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि प्रिंस को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी फिटनेस पर, तो फिटनेस पर नहीं, फिटनेस करेक्टर बोला, करेक्टर पर काम करना पड़ेगा। और क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर प्रिंस जी को? बदलाव तो उसमें क्या है ना, एक एक चीज जो है ना, जो हमारी टीम की जो कोशिश है ना, उसमें एक एक चीज कोशिश करेंगे ऐसा कुछ हो जो सबको अच्छा लगे। और जब प्रॉपर स्क्रीन प्ले बनेगा, प्रॉपर शूट होगा, फिर उसका ट्रेलर देखेंगे तब बोलेंगे कि नरसिम्हा से ऊपर है या कहाँ है। बिल्कुल प्रोड्यूसर सर की तरफ चलते हैं। सतीश जी शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं? इसके लिए हमारे सुजीत जी बताएंगे कि अभी कब से शुरू करना है, और ये जो है हमारी प्लानिंग है कि हम अगस्त में शूट करेंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में। तो क्या आप देश पर ना ये फिल्म बन रही है भारत माता की जय, फीस में भी डिस्काउंट वगैरह आपने बोला होगा कि भाई देशभक्ति में तो कम करो ऐसा? ये हमारी पूरी टीम ही डिस्काउंट देती है। और आने वाले दिनों में इसमें एक बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स भी हो सकते हैं,
हमारी कुछ टाइटल ट्रैक। धर्म जी की तरफ चलते हैं। धर्म सर, ये बताएं कि अभी तक भोजपुरी सिनेमा को आपने किस नजरिए से देखा है और आज इस मुहूर्त के बाद क्या कुछ बदलाव है? नजरिया तो अच्छा ही रहा है, देखने वालों के नजर के ऊपर है। लेकिन कैसा है कि हमेशा मुझे भी ये टाइटल इसलिए अच्छा लगा कि जो आने वाला जो जनरेशन है उनको किस तरह से धरती माँ से जोड़ के रखना है, उस वो टाइटल में ये दिख रहा है। और आपको ये जो तीन कैरेक्टर है इनके बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आज कितने बॉलीवुड और पिक्चरें बनी हैं और ये अभी भी हम जाए तो कोई भी इनका यूट्यूब पे देखोगे, किसी ने भी जो इनका किरदार निभाया है वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो जो हिंदी पिक्चरों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला है लोगों को, हमारा भी यही सोच था कि भोजपुरी के माध्यम से भी ये इंस्पिरेशन मिले आने वाले दिनों में यूथ को। और एक बार इंस्पिरेशन मोटिवेशन किसी व्यक्ति को मिलता है ना तो आगे और वो उत्साहित हो जाता है अच्छी चीज़ करने के लिए। तो हमारी यही सोच है, जो नज़रिया है लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी पिक्चरों में पिक्चरों को देखने का, उसे कहीं ना कहीं अब ये बैनर से हम एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भोजपुरी पिक्चरों को भी एक एड ऑन जैसे कहे। नज़रिया अच्छा ही है लेकिन मैंने आपको यही कहा कि देखने वालों के ऊपर है किस तरह से अगला आदमी देखता है किसी व्यक्ति और किसी को। प्रिंस सिंह राजपूत और पायस पंडित के अलावा भोजपुरी के वो कौन से कलाकार हैं जिनके नाम आप जानते हैं और अगर बता सकें तो, जिनके गाने देखते हों, फिल्में देखते हों? मैं पर्सनली बोलूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत भोजपुरी पिक्चर देखता नहीं हूँ। मैं बचपन में कोई भोजपुरी पिक्चर जब मेरे फैमिली के साथ देखा था तो वहाँ पे सब बस यही बस यहाँ वहाँ जो डायलॉग मारते हैं लोग, तो उसका तरीका भी वो लोग गलत तरीके से कर रहे थे। तो मेरे बचपन से यही था कि भोजपुरी को एक अलग अंदाज दिया था। लेकिन जब से मैं ये टीम से जुड़ा हूँ लास्ट 6-7 महीने से, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया। मैं किसी एक्टर और एक्ट्रेस का नाम इस वक्त नहीं दूंगा क्योंकि हर व्यक्ति ने अच्छा ही काम किया अपने हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा जानते हैं, नहीं जानता तो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दूंगा। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे यही दो बेस्ट लगते हैं फिलहाल इनका, मैंने जो भी चीज़ देखा हो। तो मुझे ऐसा है कि जो वो पिक्चर उन्होंने जो बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है, हम जो अब आगे पिक्चर बनाएंगे हमारे हिसाब से बनाएंगे।